रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को अभ्यर्थियों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सत्तारूढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये नौजवानों के साथ अन्याय है, बहाली में उचित व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं रखा गया, ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। सरकार ने नौजवानों को बहलाने और वोटों के लालच में ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित की। कम समय में बद इंतजामी के कारण दर्जनों बच्चों की जान चली गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दौड़ में अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर तक दौड़ाया गया, जो किसी भी मानक के अनुसार गलत है। सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राज्य भर के नौजवान इस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। कार्यक्रम तो एक ही है, झारखंड को कुशासन से मुक्ति का। चुनाव नजदीक आया हुआ देखकर यहां के मुख्यमंत्री, जिन्होंने वादा किया था 5 लाख रोजगार, अब उनको पता है कि इस समय कोई भर्तियां नहीं हो सकती, इंटरव्यू कितने भी कर लो। इसलिए पिछले दिनों जो भर्तियां पुलिस की गई और उसमें 10-10 किलोमीटर नौजवानों को दौड़ाया गया, ये 10 किलोमीटर की दौड़ कहीं नहीं होती। बिना उचित व्यवस्थाओं के, केवल वोट के लालच में नौजवानों को बहलाने के लिए ये षड्यंत्र रचा और पाप किया हेमंत सोरेन की सरकार ने, जिसके कारण कई नौजवानों की जान चली गई। 12 नौजवानों की जान गई है। यह हादसा नहीं है, ये हत्याएं हैं जो वोट के लालच में की गई है, और झारखंड का नौजवान कभी भी सरकार को माफ नहीं करेगा। झारखंड की सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य की जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाने का समय अब आ गया है। राज्य भर के नौजवान इस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य की जनता से झारखंड को कुशासन से बचाने का आह्वान किया और आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत का संकल्प लिया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का झारखंड दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना और चुनावी तैयारियों का जायजा लेना है। शिवराज चौहान आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिनमें चुनावी सीटों की साझेदारी पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।